वेलकम दोस्तों, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ डीजी मेंटो में। और हम यहाँ पर आज एक और नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, संविधान का निर्माण, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी टाइप से अगर आप हमारे और लेक्चर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ठीक है। तो इससे आपको जो लेटेस्ट अपडेट हमारा होगा, कौन कौन से चैनल जो हम सिलेबस में डालेंगे, कौन सब्जेक्ट होंगे, वो सब आपको इजीली प्रोवाइड हो सकेंगे, कोई मिस नहीं होगा, ठीक है। और हम ये यूपीएससी मेंस के अकॉर्डिंग, मेंस और प्री दोनों को मिलाकर शुरू करने वाले आज सीरीज। तो यहाँ पर हम शुरू करते, चलिए संविधान का निर्माण हम देखते हैं, इसमें संविधान का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, संविधान को समझने से पहले, ठीक है, कि संविधान को समझने से पहले उसका निर्माण समझना जरूरी है कि संविधान का निर्माण क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्यों किया गया। जब तक हम इन सब बातों को नहीं समझेंगे तब तक हम संविधान के बारे में चर्चा एक अधूरी सी करेंगे, ठीक। अगर हमें अधूरी चर्चा को समझना है तो फिर यहाँ पर इस लेक्चर को मैं आपको समझाऊँ बताऊँ तो वो सब बेकार है। लेक्चर को पूरा सुनिएगा, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है, एकदम इजी वे में आपको समझ में आएगा कि भाई किस प्रकार से हमारा संविधान बना, उसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। और ये सब क्वेश्चन आपको मेंस में आंसर राइटिंग में हो या प्रीलिम्स में हो या फिर आप अगर इंटरव्यू में बात कर रहे हैं तो भी वहाँ पर आपको एक अच्छा मार्क्स गेन करने के लिए अच्छा एक रास्ता प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की अवधारणा के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे आज़ादी की। पहले हमारा देश क्या था, ब्रिटिशर्स का गुलाम था, ठीक है। ब्रिटिशर्स थे जिनके जो कि अपने रूल एंड रेगुलेशन चलाते थे। अब हमारा देश धीरे धीरे आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है, ठीक। आज़ादी की तरफ बढ़ने से पहले भारत में संविधान सभा के जो गठन का विचार आया, क्योंकि आज़ादी अगर हम मांग रहे हैं, सोचिए कि एक देश ऐसा है, मान लीजिए हमारा देश है भारत, ठीक है। अब भारत जो देश है ये अभी गुलाम है और ये कह रहा है भाई हमें यहाँ पर आज़ाद कर दो। ये आज़ादी तो मांग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ जाता है कि आप आज़ाद तो हो जाओगे लेकिन आज़ाद होकर करोगे क्या, अपना जो देश उसको चलाओगे कैसे, सोचने वाली बात है। क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उनके अपने रूल एंड रेगुलेशन थे अलग, ठीक। जो ब्रिटिशर्स के रूल एंड रेगुलेशन थे अब उनके अकॉर्डिंग तो देश नहीं चल सकता, क्योंकि देखिए जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों की अपनी अलग अवधारणा थी, ठीक है। वो कुछ रूल ऐसे थे जो अपने अकॉर्डिंग बनाते थे जिसमें इंडियंस को सहूलियत मिले ना मिले, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनको अधिक अधिकार मिलते थे उसमें। और इसी बात की समस्या की वजह से, ठीक है, इन्हीं प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों ने आज़ादी के लिए बात की, भाई हमें आज़ादी चाहिए। अब एक बात सोचने वाली है, अगर ये समस्या ना होती, ठीक है, अंग्रेज जो थे अगर वो ये समस्या ना पैदा करते हिंदुस्तानियों के सामने, भारतीयों के सामने, तो क्या हम लोग आज़ादी मांगते? फिर तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, हमें कोई अधिकार नहीं थे, कोई राइट्स नहीं थे, हम एकदम बंदिशों में जकड़े हुए थे, एक भेदभाव वाला हमारे साथ में व्यवहार होता था। तो इन सब को देख करके हमने आज़ादी की मांग की। अब बात ये उठाई गई कि भाई हम आज़ादी मांग रहे हैं तो हम अपने देश को चलाएंगे कैसे। सोचने वाली बात है कि एक देश है, अब देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, ठीक है। ये मैं सोचिए एक बार आ रहा हूँ, ऐसे कुछ भी लोग आप समझ सकते हैं, इनको मैं डॉट डॉट तो कर रहा हूँ, लेकिन ये पब्लिक समझिए आप कि विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। बहुत देखो, देश बनता कैसे है, किसी देश में किसी प्रकार के लोग रहते हैं, किसी देश में किसी प्रकार के लोग रहते हैं, किसी में एक मूल भाषा के लोग रहेंगे, किसी में एक मूल धर्म को मानने वाले लोग रहेंगे, ठीक है, किसी में दोनों को मिलाकर लोग रहेंगे। लेकिन हमारा एक भारत ऐसा देश है विश्व में जिसमें विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार की भाषाएं और उन दोनों को मान्यता देने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। आपने कभी देखा है कि हमारे देश में कोई एक धर्म चलता हो? हमारे देश में हिंदू धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धर्म है। तो इन सब बातों को समझें तो हमारा देश एक अलग ही प्रकार की अवधारणा में रहता है, ठीक है। एक अलग ही प्रकार का ओहदा या दर्जा हमारे देश को विश्व में दिया जाता है। क्योंकि देखिए, अभी हम लोग बात करते हैं कि भाई किसी प्रकार की असहिष्णुता है हमारे देश में, क्या ऐसा आपको देखने को मिलता है? एक बात सोचिए, दूसरे देश जो कि किसी एक या दो धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है, दो रिलीजन को फॉलो करते हैं, और उनमें
भी दंगे, लड़ाई झगड़े, ठीक है, इंटॉलरेंस देखने को मिलती है। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जो इतने सारे धर्मों को, भाषाओं को, जातियों को फॉलो करता है और उसके बाद भी विश्व में सबसे ज़्यादा शांतिप्रिय देशों में एक माना जाता है। ठीक, सबसे ज़्यादा शांतिप्रिय देश है और सबसे ज़्यादा शांति बनाए रखने की, शांति व्यवस्था स्थापित करने की बात सबसे पहले भारत देश करता है। तो इन सब बातों को लेकर भी भारत देश एक अलग दर्जा प्राप्त करता है विश्व में। अब जब इतनी सारी चीज़ें भारत के पास हैं, ठीक है, इतने सारे धर्म हैं, तो इन चीज़ों को एक जगह संजोना भी पड़ेगा कि भाई कैसे एक धर्म को इंक्लूड किया जाए एक साथ, ठीक है, इन धर्मों को। तो भारत में संविधान सभा के जो गठन का विचार आया वो वर्ष 1934 में पहली बार M.N. Rao ने रखा। ठीक है, मैं इसको आपको लिख के बताता हूँ, नोट्स आप लोग रेडी कर सकते हैं इससे। जो भारत में संविधान सभा का गठन, अब संविधान सभा के गठन की हम बात कर रहे हैं, ये जो गठन की बात की गई ये कब की गई और किसने की, ये सबसे पहली बार 1934 में पहली बार किसने की थी, पहली बार M.N. Rao ने की थी। ठीक है, M.N. Rao, ठीक, इन्होंने पहली बार ये बात रखी कि भाई भारत में एक संविधान सभा बननी चाहिए, संविधान सभा का गठन होना चाहिए जो कि भारत देश को समझ करके संविधान का निर्माण करे। और संविधान क्या है, संविधान एक ऐसी किताब है, एक ऐसे कानून और नियमों का लेखा जोखा है जिसके द्वारा भारत देश में होने वाली क्रियाएं, ठीक है, कि आदमी कैसे काम करेगा, क्या होना चाहिए, कितनी आज़ादी किसको, ये सब लिखा गया है। ठीक, भारत देश के ऐसी नीतियों पर चलेगा, कैसे वो विकास के मार्ग पर जाएगा, वो सब लिखा गया। अब सोचिए अगर संविधान या कानून जैसी चीज़ ना होती तो क्या भारत देश में लोग एक दूसरे को समझ पाते, एक दूसरे के प्रति आदर भावना रखते? आदर भावना एक अलग चीज़ हो जाती है यहाँ पर, लेकिन जो लोग हैं वो अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि बहुत से स्वार्थी लोग भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि आज भी देखिए खून खराब सब देखने को मिलता ही है और वो विश्व में हर जगह पर है। तो हर देश का अपना संविधान है और संविधान जो बनाया जाता है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, संविधान जो बनाया जाता है वो देश की भौगोलिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्थितियों को देख के बनाया जाता है। ठीक, अब जब 1934 में पहली बार ये बात रख दी गई तो आगे जा करके 1935 में, 1935 में, ठीक, एक बहुत महत्वपूर्ण कदम लिया INC ने। INC हमारी क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक, INC ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। ठीक, अब देखिए मांग करने की बात की गई यहाँ पर, INC द्वारा मांग की, और मांग किससे की इन्होंने, इन्होंने की ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश सरकार से। ब्रिटिश सरकार से मांग की, किसकी मांग की, कि भाई संविधान सभा का गठन होना चाहिए, संविधान सभा के गठन की। ठीक है, तो इस प्रकार की अवधारणा निकल करके आई। अब जब संविधान सभा के गठन की मांग कर दी तो क्या एकदम से उनको मिल जाएगा कि हाँ भाई आप जाइए अपने संविधान की सभा के बनाइए और आप अपना संविधान बना दीजिए? टाइम लगेगा, क्योंकि इन्होंने मांग की, ऊपर जाएगा वो लोग, वो क्या बोलेंगे इनके कि हमें लंदन भेजना पड़ेगा, वहाँ जो उनकी मंत्रिपरिषद है वो सब बैठेंगे, बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे और फिर वहाँ से एक प्रस्ताव पास होकर के आएगा। तो एक लंबा प्रोसेस था। तो इसमें 1938 में INC की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। 1938 में INC की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, INC की ओर से पंडित जवाहर लाल नेहरू, सॉरी
ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक प्रस्ताव रखा और कहा गया कि संविधान, ठीक है, संविधान का जो निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई सरकार द्वारा होगा। ठीक है, प्रस्ताव रखा कि संविधान सभा का निर्माण, अभी यह सभा नहीं, संविधान का निर्माण कर लेते हैं इसको ना, संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई जो संविधान सभा होगी उसके द्वारा होगा। ठीक है, ये जो वयस्क मताधिकार का जो आधार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि जो संविधान सभा चुनी गई थी वो किस आधार पर चुनी गई थी। तो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था, संविधान का जो निर्माण हुआ था वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया गया था, आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा। ठीक है, संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। अब संविधान सभा तक बना ली गई, चुन रही है, ठीक है, तो संविधान सभा का गठन कैसा हुआ उसको समझते हैं इसमें। अब हम देखिए, संविधान सभा का गठन करने के लिए नई नई योजनाएं बनी हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण योजना है कैबिनेट मिशन योजना। तो कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। कब हुआ? नवंबर 1946 में। ये मैं भी आपको आगे भी और डीपली इसको बताऊंगा। ठीक, अब जो संविधान सभा का गठन हुआ उसमें कैसे कैसे लोग शामिल हुए, देखिए नवंबर में क्या है, अगर मैं यहाँ डेट डिस्कस करूँ तो 9 नवंबर था, ठीक है, 9 नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी, देखिए संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या ये थी 389, ठीक, 389 कि संविधान सभा में कुल सदस्य इतने होंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं लेंगे, और इनको भी सीटों में डिवाइड किया गया। कैसे? इसमें से जो 296 जो सीटें थी वो दी गई ब्रिटिश भारत को, ब्रिटिश भारत को दी गई, और 93 जो सीटें थी वो देशी रियासतों को आवंटित की गई। 93 सीटें थी वो दी गई देशी रियासतों को, ठीक है, ऐसे इनको अलग अलग आवंटित किया गया। अब देखिए जो सीटें आवंटित कर दी गई, ठीक, अब यहाँ पर एक मुद्दा ये उठा कि भाई कौन कौन से व्यक्ति संविधान सभा में अपना प्रतिनिधित्व करेंगे, मतलब अपना कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण में अपना सहयोग देंगे। तो इसके लिए मैंने अभी आपको बताया वो कि वयस्क मताधिकार पर, अब वयस्क मताधिकार पर तो है लेकिन कहाँ से कितने लोग आएंगे, क्योंकि ऐसा तो है भाई कि कोई भी उठकर आ जाएगा, या फिर कहीं पे 10 लोग हैं वो भी कहेंगे भाई हमें भी हिस्सा चाहिए, कहीं पे 1000 लोग हैं वो भी कहेंगे भाई हमारे यहाँ से 10 बंदों को भेजो, 2 बंदों को भेजो, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक कॉन्ट्रावर्सी बन जाएगी। इसके लिए क्या क्या कहा गया कि एक जनसंख्या पर ध्यान दिया गया, ठीक है, कि 10 लाख लोगों की जो जनसंख्या होगी जिस एरिया में, मान लीजिए कि यूपी का कोई एरिया है, यूपी है, ठीक, अब यूपी के जो एरिया है इसमें मान लीजिए 10 लाख लोग हैं, इस वाले में 20 लाख हैं, इसमें 15 लाख हैं, इसमें 30 लाख है, तो अगर ऐसा करके हम नॉर्मली माने अंदाजे तो के तौर पे, तो 10 लाख पर एक व्यक्ति आएगा, ठीक है, एक व्यक्ति 10 लाख पर, तो यहाँ से तो 20 लाख हो जाएगा, कितने को 2 व्यक्ति हो गए,
यहाँ 30 लाख का, तो यहाँ पर कितने हो गए? 3 व्यक्ति हो गए। तो इस प्रकार से ये व्यक्ति चुने जाएंगे कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व होगा। ठीक, तो इस प्रकार से इनका चुनाव किया गया। अब जो सीटों का निर्धारण किया गया वो 3 समुदाय में बांटा गया। ठीक है, सीटों को 3 समुदाय में बांटा गया, और वो समुदाय कौन से थे उन, और सीटों को जो बांटा गया 3 समुदाय में, उनकी जनसंख्या के अनुसार बांटा गया। कैसे? देखिए, 3 समुदाय की बात करें, 3 समुदाय में आएगा पहले तो आपका मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम। ठीक, उसके बाद आता है आपका सिख समुदाय, और उसके बाद आता है आपका सामान्य, सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग में कौन कौन है? सामान्य वर्ग में यहां पर मुस्लिम, और सिख वर्ग को छोड़ दो। ठीक है, इन दोनों वर्गों को छोड़ करके जितने बचेंगे सबको सामान्य वर्ग में डाला गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि संविधान सभा का गठन हुआ, या ऐसे सीटों का आवंटन हुआ कि देखिए, संविधान सभा का जब गठन हुआ तो 9 नवंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। ठीक, और पहली बैठक के बारे में थोड़ा अभी और बताऊंगा आपको। तो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389। और इसको डिवाइड कैसे किया गया? 296 जो थे वो ब्रिटिश भारत में दिए गए, और 93 सीटें दी गई देशी रियासतों को। अब जो बांट दिया गया तो इनको इनके समुदाय के आधार पर विभाजित किया गया, समुदाय में जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया, और एक स्केल निकाला क्या 10 लाख की जनसंख्या पे एक। आज भी आपके देश में, जैसे अब 2019 में लोकसभा के इलेक्शन होंगे, ठीक है, मान लीजिए, तो जो एक आधार बनाया गया आज के डेट में भी, वो भी 10 लाख पे ही चल रहा है। ठीक है, आपको जो एक MP चुना जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो 10 लाख की जनसंख्या के क्षेत्र के आधार पर ही चुना जाता है। ठीक, अगर किसी में 20 लाख जनसंख्या तो वहाँ से 2 MP होंगे, किसी में 30 लाख तो 3 होंगे, 40 लाख जनसंख्या हो 4 MP होंगे वहाँ से, उस क्षेत्र से। ठीक है, तो इस प्रकार से चुना जाता है। फिर समुदाय में बांटा गया कैसे कि मुस्लिम समुदाय को एक हिस्सा दिया गया, सिखों को दिया गया, और सामान्य वर्ग, सामान्य वर्ग में मुस्लिम और सिखों को हटा दिया गया, बाकी सभी को इंक्लूड कर दिया गया, जितने भी कोई वर्ग बचे हों सबको इसमें डाल दिया गया उठा करके। ठीक, आगे समझते हैं इसको। देखिए, इसमें क्या था कि प्रत्येक समुदाय के जो प्रतिनिधि थे उनका चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। ठीक है, और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधि तरीके से मतदान किया जाना था। अब जो अभी मैंने आपको दिखाया कि देशी रियासतें भी थी, उनको 93 सीट अलॉट की गई थी, तो जो देशी रियासतें थी उनके प्रतिनिधित्व का जो चयन किया जाएगा वो रियासतों के प्रमुखों को द्वारा किया जाना था। ठीक है, भाई देशी रियासतें होंगी, अगर रियासतों को सीट दी गई तो ऐसे थोड़ी उसमें कोई और दूसरा बंदा इन्वॉल्व होगा जा करके, तो जो वहाँ के जो प्रमुख थे रियासतों के उनके द्वारा चयन किया जाना था कि भाई ये लोग जाएंगे और ये संविधान सभा में कार्य करेंगे। अब हम समझेंगे यहाँ पर संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली है उसको, संविधान देखिए, संविधान सभा की कार्यप्रणाली समझते हैं। पहली जो बैठक हुई संविधान सभा की वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। देखिए, संविधान बनाने का अधिकार मिल गया तो क्या हुआ कि भाई अब सब कुछ डिसाइड हो चुका है, पहले से किसको कितनी सीट दी जानी है सब कुछ। ठीक है, तो एक डेट निश्चित की गई, एक तारीख निश्चित की गई कि भाई इस तारीख से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो वो तारीख क्या थी? 9 दिसंबर। ठीक, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई यहाँ पर, पहली बैठक। ये जो पहली बैठक हुई, अब देखिए कोई भी एक बैठक हो रही है, ठीक है, मान लीजिए कि एक बैठक में 50 लोग बैठे हैं, एक एग्जाम्पल तौर पर मान लीजिए 50 लोग बैठे हैं। ठीक है,
अब होता है कि एक बैठक जो बैठी है 50 लोगों की, उसमें कोई ना कोई तो एक लीडर बनता है, एक अध्यक्ष बनता है कि भाई आप इसको अध्यक्ष बनाया जाए, ये चलाएगा उनको। अगर अध्यक्ष ना हो, लीडर ना हो, तो बैठक काम करेगी? बैठक तो अपने आप में लड़के मर जाएगी, भाई नहीं भाई मेरी बात चलेगी या फिर मेरी बात नहीं चलेगी, इस प्रकार की अवधारणा आ जाएगी। ठीक, तो क्या हो गया, जब बैठक हुई तो एक डिसाइड किया गया कि भाई किसको अध्यक्ष बनाया जाए इस बैठक का। तो वहाँ पर सबसे एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अब ये किस तर्ज में बनाया गया, क्योंकि तो फ्रांस में भी ऐसे चलता था कि भाई फ्रांस के तर्ज पे लिया गया, कि फ्रांस में भी संविधान सभा की जब बैठक हुई तो उन्होंने क्या किया कि भाई एक सबसे बुजुर्ग इंसान को लेकर के अपना अध्यक्ष चुन लिया। तो यहाँ पर भी वही कार्य प्रणाली अपनाई गई कि भाई बैठक को चलाने के लिए सबसे बुजुर्ग इंसान जो है वो थे उस टाइम पर कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इनको बोला जाता है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष। ठीक है, टेम्पररी मेंबर, ठीक है, सॉरी टेम्पररी चेयरमैन जो थे। अब जब बैठक हो रही है तो अभी मैंने आपको बताया कि मुस्लिमों को भी सीटें दी गई, ठीक है, और उनको अलग से सिखों को भी दी गई। तो जो मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि अलग से पाकिस्तान का निर्माण किया जाए और एक अलग संविधान सभा बने। ठीक है, तो इन सब बातों को लेकर के मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया इस संविधान सभा की पहली बैठक का। उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो आप बात कर रहे हो हिंदुस्तान की बात, ठीक है, और वो तो क्योंकि शुरू से ही किसके पक्ष में थे कि सब पाकिस्तान बनना चाहिए, तो उन्होंने इसको सिरे से खारिज कर दिया कि भाई इसमें हमारे पाकिस्तान की कोई बात नहीं रखी जा रही और ना ही हमें कुछ अधिकार खास दिए जा रहे हैं, इसलिए हम इस सभा में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया और उन्होंने रखा कि भाई पाकिस्तान की मांग हमारी जोर तौर पर रहेगी और हमें पाकिस्तान ही चाहिए। ठीक, अब जब मुस्लिम लीग अलग हो गई इसमें, तो इसमें कुल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। कितने सदस्य बचे टोटल मिलाया जाए, तो इनके अलग हो जाने के बाद 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया इसमें। ये 211 सदस्य जो मिले, इनके द्वारा संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई। अब डॉक्टर सच, मैंने एक यहाँ पर लिख देता हूँ कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये थे अस्थाई अध्यक्ष। ठीक है, स्थाई अध्यक्ष, ठीक, ये अध्यक्ष अस्थाई अध्यक्ष चुने गए संविधान सभा की पहली बैठक का। अब देखिए, खास तौर पर आप कह सकते हैं ये इंडिया है, हमारा इंडिया, तो इसमें क्या होगा कि भाई आप एक बार आपने कोई चीज़ कर ली, अब क्या है कि ये पहली पहली बैठक थी, इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। लेकिन क्या सोचिए, अस्थाई अध्यक्ष के द्वारा भारत के संविधान सभा को चलाया जा सकता है? क्वेश्चनेबल था। अब क्या किया कि हम लोग इंडियन सही, यहाँ पर एक दिन का गैप ले लिया गया। ठीक है, मतलब 10 तारीख को अपना छुट्टी बांट ली कि चलो घर बैठ कर जो भी काम करना है इसको करो, अगली बैठक कितने को होगी, 11 तारीख को होगी। ठीक है, तो अगली बैठक आ जाती है फिर 11 तारीख पर, मैं इसको एक बस चेंज ही कर देता हूँ, देखिए 11 तारीख पर अगली बैठक, 11 दिसंबर 1966 को, सॉरी 46 को अगली बैठक हुई, इसको हम कहते हैं दूसरी बैठक। और जब 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, तो इसमें क्या किया गया, देखिए जहाँ पर जो अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको हटा करके उनके स्थान पर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको अध्यक्ष तथा H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 11 दिसंबर 1946 को स्थाई अध्यक्ष का चुनाव हुआ, स्थाई अध्यक्ष चुने गए, और वो कौन चुने गए, वो चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये थे हमारे स्थाई अध्यक्ष। ठीक, 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ।
और एच सी मुखर्जी इनको उपाध्यक्ष चुना गया। अब 9 दिसंबर को क्या था, दोबारा एक बार सोच लीजिए कि 9 दिसंबर 1940 को था, डॉक्टर सचिरन सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष, टेम्पररी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस शब्द को, ये शब्द बहुत कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। और 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और एच सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। अब इसके बाद में ये चुन लिया गया, ठीक है। और यहाँ पर एक और चुनाव किया गया सर बी एन रॉय का, ठीक है सर, या फिर मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, बी एन रॉय का। और ये कौन थे, ये थे हमारे संवैधानिक सलाहकार, तो 11 दिसंबर को ये तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। एक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, परमानेंट अध्यक्ष। दूसरा, एच सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। और तीसरा, सर बी एन रॉय को संवैधानिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। अब यहाँ से असल में शुरू होती है संविधान सभा की कार्यप्रणाली, ठीक है। अब इसमें आता है एक और महत्वपूर्ण भाग जिसको हम कहते हैं उद्देश्य प्रस्तावना, ठीक है। उद्देश्य प्रस्तावना समझते हैं इसमें क्या है। देखिए, अभी तक हमने जो समझा 9 दिसंबर 1940, 11 दिसंबर 1940, अब हम बात करेंगे 13 दिसंबर 1940 की। 13 दिसंबर 1940, 13 दिसंबर 1940 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, पंडित नेहरू जी के द्वारा। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। एक उद्देश्य प्रस्ताव था क्या, देखिए उद्देश्य प्रस्ताव ये था कि भाई हमारा जो संविधान बनने वाला है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों का हम गठन करेंगे और क्या क्या चीज़ें हम उसमें डालेंगे। अगर हम उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो मैं आपको इस थोड़ा शॉर्टकट में समझा देता हूँ। देखिए, संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है, ठीक है, तब अपने भविष्य के प्रशासन को संचालित करने के लिए संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। ये बात कही गई किसमें, उद्देश्य प्रस्ताव में। उद्देश्य प्रस्ताव में एक और बात की गई कि ब्रिटिश भारत में शामिल क्षेत्र, ठीक है, जो भी ब्रिटिश भारत में शामिल क्षेत्र थे उन्हें भारतीय राज्यों में शामिल क्षेत्र तथा भारत के बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र, मतलब ऐसे क्षेत्र जो बाद में भारत में शामिल होंगे, ठीक है, जिन जैसे हमारी यूटीज हो गई, ठीक, जो इनमें शामिल होना चाहेंगे, भारतीय संघ का हिस्सा होंगे, ऐसी बात कहेगी। तीसरी उसमें बात की गई कि सभी क्षेत्रों जो उसमें वर्णित हैं तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियाँ उनमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी उन राज्यों को प्राप्त होंगी। इसमें अगली बात की गई कि संप्रभु स्वतंत्र भारत की शक्तियां एवं संघ की शक्तियां होंगी वो प्राधिक इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी, ठीक है, मतलब भारत की जनता ही सभी प्रकार के स्रोतों की शक्ति का एक अंग होगी। स्रोतों की शक्ति कैसे, जो हम संघ का निर्माण करते हैं, हम राज्यों को चुनते हैं, वो सब क्या है, जनता के द्वारा चुना जा रहा है ना, तो जितनी भी शक्ति होगी वो जनता के हाथों में होगी और जनता अपने माध्यम से किसी भी राजनीतिक दल को हटा सकती है और बना सकती है,
एक काम तो हमेशा जनता ही करती है, तो इस प्रकार की चीज़ इसमें डाली गई। और भी बहुत सारी बातें थे कि धर्मों के आधार पर, जातियों के आधार पर बहुत कुछ इसमें डाला गया, तो उतना डिटेल में मैं डिस्कस नहीं कर सकता, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या डिस्कस कर सकते हैं इसमें। अब संविधान उद्देश्य प्रस्तावना पेश कर दी गई, ठीक है, तो 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लेगा। किसको? उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947, ठीक है, को स्वीकार किया गया, स्वीकार किया, ठीक। अब यह आ गया। अब हमने क्या क्या समझ लिया इसमें? हमने समझ लिया 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव आया। यहां तक हम समझ लिया। 9 दिसंबर 1946 को हमने क्या समझा था कि डॉक्टर सचिरन सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और वो संविधान सभा की पहली बैठक थी। 11 दिसंबर 1940 को हमने क्या समझा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, एच सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया और सर बी एन राव को संविधानिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। फिर एक दिन का गैप होगा। देखिए गैप आपको देखने को मिल रहा है ना कि 9 तारीख है तो उसके 10 तारीख का गैप हो गया, 11 तारीख है तो 12 तारीख का गैप हो गया, एक एक दिन छोड़ के हुआ, ठीक है, ऐसे आपको याद करने में आसानी होगी। तो फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्तुत की गई और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया सर्वसम्मति से, ठीक है। अब हम समझेंगे स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन कैसे हुआ, इसको समझते हैं।